अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सालिया डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान पाक का गिलाफ बनाना सिखाऊंगी। इससे पहले मैंने आपको कुरान पाक का इनर कवर बनाना सिखाया था। इसको भी कुरान पाक का इनर कवर बनाना नहीं आता, वो यूट्यूब पे जाके होली कुरान इनर कवर बाय सालिया डिज़ाइनर लिखकर सर्च करे और मेरी वीडियो देख ले। तो अब हम कुरान पाक का गिलाफ बनाना शुरू करेंगे। जिस कपड़े से भी आपने गिलाफ बनाना है उसकी उरेब वगैरह निकालते हुए उसे सीधा कर लें और कुरान पाक को इस तरह तिरछा रखें। कपड़े को इस कोने से उठाकर कुरान पाक के ऊपर रखें। कुरान पाक के किनारे से आधा इंच कपड़ा पीछे की तरफ होना चाहिए। अब दूसरी तरफ से हम कपड़े को उठा के इस कपड़े के ऊपर रखेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अब हम कुरान पाक को उठा लेंगे। जहाँ पर हमने ये कट लगाया है इसका हम साइज करेंगे 17 इंच, तो यहाँ से भी हम 17 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसे ही 17 इंच पर हम निशान लगाते जाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से भी साइज करते हुए निशान लगाते जाएंगे। ये हमने निशान लगा लिए हैं 17 इंच की दूरी से। आप चाहें तो इन निशानों को फॉलो करते हुए कटिंग कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप इस कोने से कपड़े को उठाएं और इन निशानों के ऊपर रखें। इस तरह ये हमारे पास ट्रायंगल शेप में फैब्रिक आ जाएगा। इसकी कटिंग कर लें। ये देखें, अब इस तरह से हमारे पास एक स्क्वायर पीस आ गया है। अब हमने इसकी दो साइडों से सिलाई लगानी है। आप चाहें तो ये दो साइडें ले लें, चाहें तो ये दो साइडें ले लें। ये इस तरह फोल्ड करते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। ये इस फैब्रिक की उल्टी साइड है, उल्टी साइड की तरफ हम फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों से। यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे और अब हम दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। ये इसकी दोनों साइडों से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें। अब हम इस कोने को यहाँ पर मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, कैंची की नोक की मदद से इसके कोने निकाल लेंगे। अब यहां पर हम स्ट्रिप लगाएंगे। इस स्ट्रिप की लेंथ हमने 25.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। ये स्ट्रिप की उल्टी साइड है। यहाँ से हम इस तरह फोल्ड करेंगे इसकी दोनों साइडों से और एक बार फिर फोल्ड करते हुए हम यहाँ किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। ये स्ट्रिप के एंड में लगाने के लिए हमने एक स्क्वायर पीस लिया है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 2.5 इंच है। ये स्ट्रिप को अंदर की तरफ रखेंगे और इस स्क्वायर शेप को हम फोल्ड करेंगे इस तरह। और इसे पलट लेंगे, यहाँ से हम बराबर कर लेंगे। ये देखें, इस स्ट्रिप को इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ से हम डबल ट्रिपल सिलाई लगाते हुए इसे पक्का कर लेंगे। विवलजे, कुरान पाक का गिलाफ तैयार हो चुका है। और ये बात याद रहे, ये कुरान पाक गिलाफों में बंद करके रखने के लिए नहीं आया। आप डेली खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं।
क़यामत वाले दिन यही कुरान पाक हमारे लिए सिफारिश और निजात का जरिया बनेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें। इससे हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तक के लिए इतना ही, नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।